सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने फोन के रिकॉर्ड किया हुआ वीडियोस का बैकग्राउंड DSLR जैसा ब्लर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी वीडियो अगर अपने फोन से रिकॉर्ड करते हो तो उस वीडियो का अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो लाइक DSLR जैसा, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आप सभी को कि कैसे आप अपने फोन का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियोस का बैकग्राउंड लाइक DSLR जैसा ब्लर कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एडिट करके अपने वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पर सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा। जैसे ही मतलब जो भी साइज में आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, सिंपली मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद ये वाला मतलब पेज खुल जाएगा काइनमास्टर का। और सबसे पहले आपको मीडिया पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं मीडिया का, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक इमेज चूज़ करना है। जो भी वीडियो के पीछे मतलब वीडियो का बैकग्राउंड रखना चाहेंगे उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी फोल्डर पर है उस फोल्डर पर जाकर कुछ इस तरीके से वो इमेज को चूज़ कर लीजिए। देख सकते हैं ये मेरा इमेज चूज़ कर लिया मैंने, ये मेरा वीडियो का बैकग्राउंड रहेगा। अब आपको वीडियो चूज़ करना है, मतलब जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपका वीडियो होना चाहिए ग्रीन स्क्रीन में। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आप जो भी वीडियो बनाएंगे उसका बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। जैसे कि मैं लेयर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। लेयर पर क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो ऐड करना चाहेंगे वो वीडियो वहाँ पर फोल्डर पर जाकर वहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो ऐड करना चाहा, देखिए ऐड हो गया, और जैसे ही मैंने ऐड किया अब मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरा वीडियो जो है मेरा बैकग्राउंड वीडियो का जो है ग्रीन स्क्रीन है। आपको भी ध्यान रखिए दोस्तों, आपको भी यही तरीके का वीडियो बनाना है। आपका वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन में होना चाहिए, तभी आप वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो और बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। मैंने राइट पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो वो सेट नहीं है पूरी तरीके से, उसको सेट करना पड़ेगा। तो वीडियो पर टैप कीजिए, जो नीचे वाला ऑप्शन है जिस पर मैंने वीडियो ऐड किया अभी, उस पर टैप करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, और उसके बाद राइट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर से आपको वही ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जो ऑप्शन पर मैंने फिर से क्लिक किया। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो पर क्लिक किया और थोड़ा सा नीचे जाकर क्रोमा की का ऑप्शन है उसको इनेबल कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही इनेबल किया ये मेरा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया ग्रीन स्क्रीन वाला। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिए, ताकि आपका पूरा ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रिमूव होकर आपका इमेजेस जो भी बैकग्राउंड होगा वही आ जाए। अब यहाँ पर पिक्चर मतलब इमेजेस जो भी बड़ा है उस पर क्लिक करने के बाद कैची पर जाकर इसको कट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। यह हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पर जो मेरा वीडियो प्ले करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो इमेज है बैकग्राउंड वो छोटा या बड़ा होता जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपली जो इमेज है ऐड किया हुआ उस पर आपको टैप करना पड़ेगा नीचे। तो देखें सिंपली मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने टैप किया यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉप करने का, तो सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा, और देन ओके कर देना पड़ेगा। ओके कर देने के बाद जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये एडजस्टमेंट हो चुका है, और ये इमेज जो बैकग्राउंड इमेज है ये छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद बेसिक इफेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरा फेस भी ब्लर हो चुका है, और यहाँ पर सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो ये मैं इसको बड़ा करके अपने वीडियो पर एडजस्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने एडजस्ट किया ये देख सकते हो कि मेरा फेस पर भी ब्लर आ चुका है। तो इसको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए इस थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक, उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप ये देखिए दोस्तों मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और फेस पर जो भी ब्लर था वो बैकग्राउंड में चला गया। और इसी तरीके से दोस्तों मेरा जो है वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है बिल्कुल एक DSLR वीडियो के जैसा। मैंने इसको कैसे किया एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, एक बार फिर से आपको लेयर पर क्लिक करके दिखाता हूँ।
तो जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करेंगे आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको बेसिक इफेक्ट मिलेगा। आपको वहाँ पर सबसे पहले आप ब्लर को ऑप्शन को चूज़ करना है, और जैसे ही आपको चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना है कुछ इस तरीके से। तो इसको बड़ा कर लीजिए और अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको सेट कर देता हूँ, मतलब राइट कर देता हूँ, और इसको थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर दीजिए। सेंड टू बैक कर देने के बाद आपको फिर से एक बार जैसे ही करके दिखाया, आप देख सकते हो कि मेरा फेस से ब्लर हट चुका है और बैकग्राउंड में पूरी तरीके से ब्लर जा चुका है, बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी वीडियो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे उसका बैकग्राउंड होना चाहिए ग्रीन स्क्रीन, और उसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से एडिट करके एक बैकग्राउंड देकर रिमूव कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को, और लाइक DSLR जैसा ब्लर कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने फोन से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियोस का बैकग्राउंड बिल्कुल आसानी से ब्लर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बस यहीं तक था, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरीके का टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।